आईएम चीफ ओवैसी का भड़काऊ बयान, मुसलमानों से की सावधान रहने की अपील। आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है, जालिमों की नजर मस्जिदों पर है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। कि मस्जिदों की हिफाजत करिए, मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं रहेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। Z News.